जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की जितने भी कैंडिडेट हैं, जो कोई इस आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में एलपी असिस्टेंट लोगों को पायलट टेक्नीशियन बनने का सपना देखते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप एकदम स्किप मत करना, ठीक है। और ये चीज़ जो मैं आज बताने वाला हूँ, वो जानना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो नहीं जान रहे वो जान लें, ठीक है। और जिनको अधूरी जानकारी है या पूरी तरह से जानकारी नहीं, तो वो भी इस वीडियो को देखें। तो अगर तैयारी करो तो तैयारी से पहले आपको ये चीज़ जानना है, तभी आप तैयारी में इसमें कूदो। पता चला आप तैयारी कर लिए और आपका सारा मेहनत बेकार हो गया, ठीक है। क्यों मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में इंपॉर्टेंट, तो आप लोग पूरे वीडियो को इस पर देखो, ठीक है। तो सबसे पहले आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी है ना, तो इसमें आपका क्या है, सबसे पहले एलिजिबल क्या क्या है, हम उस पे बात पे भी आएंगे। क्योंकि आप अगर कोई चीज़ का सपना देखो, तो सपने देखने से पहले खुद में भी देखना पड़ता है कि हम उस सपने के लायक हैं कि नहीं। तो वो चीज़ भी इसमें, अगर तैयारी कर रहे हो आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की, तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि हम तैयारी कर रहे हैं उस क्राइटेरिया में फुलफ़िल हो रहे हैं कि नहीं। पता चला हमने तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से की, लेकिन क्राइटेरिया में फुलफ़िल हो नहीं रहते, ठीक है। तो बाद में जा करके आपको वो दिक्कत ना हो, तो उस चीज़ के लिए मैं अभी से आपको प्रिपेयर करते रहा हूँ। कहना क्या चाहता हूँ, जैसे आप लोग जानते हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टें होती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एलिजिबल कौन कौन होते हैं, तो आईटीआई जिन जिन कैंडिडेट ने कर रखा है वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आईटीआई ऑल ट्रेड, ऑल ट्रेड कहने का मतलब होता है कि इसमें फीटर भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आते हैं, मोटर मैकेनिक व्हीकल्स भी आते हैं, डीजल मैकेनिक, बहुत सारे ट्रेड वाले आते हैं। तो आईटीआई के, आईटीआई में क्या है, तो आईटीआई जिन्होंने कर रखा है वो एएलपी के लिए भी क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं, साथ में टेक्नीशियन के लिए। तो एएलपी और टेक्नीशियन के, तो कुछ आईटीआई के कुछ ऐसे ट्रेड हैं जिसमें एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं, जैसे फीटर हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिर मोटर मैकेनिक व्हीकल्स हो गया, और कुछ ऐसे ट्रेड है, 2 साल वाले ट्रेड ऐसे हैं जो एएलपी के लिए भी आप एलिजिबल होंगे और टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल। लेकिन आईटीआई कुछ ऐसे अदर्स ट्रेड हैं, है ना, जैसे लगभग 1 ईयर वाले जो ट्रेड हैं वो सिर्फ टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होंगे। क्या होंगे, वो सिर्फ टेक्नीशियन के लिए ही एलिजिबल होंगे, एएलपी के लिए नहीं होंगे। जैसे कि आपका वेल्डर हो गया, कारपेंटर हो गया, है ना। तो आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड हैं, तो बहुत सारे कमेंट का, और बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्रेड है ना, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आता है कि सर मेरा बुक बाइंडर है ना, मेरा ये कारपेंटर है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। हाँ भैया, आप एकदम 100% एलिजिबल हो। जब आप फॉर्म भरोगे ना, तो बहुत सारा ट्रेड आएगा आईटीआई का। आप बुक बाइंडर है, तो बुक बाइंडर भी आप देख चौक जाओगे ना, इतना सारा ट्रेड आपको पता भी नहीं होगा आईटीआई में इतना ट्रेड होता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कोपा से मैंने आईटीआई किया, बुक बाइंडर से किया, कारपेंटर से किया, ये वो, जितना भी ट्रेड है ना, बहुत सारा ट्रेड है। उसमें अलग अलग कैटेगरी में रेलवे में सीटें होती हैं, उसके अनुसार आप अपना ट्रेड चूज़ कर सकते हो। और उसमें ये भी ऑप्शन रहता है, अगर नहीं भी मिला तो एनी अदर का भी ऑप्शन आता है, वो कर सकते हो। तो आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड है। तो लगभग 1 ईयर्स वाले कोर्स जितने हैं वो टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल, लेकिन 1 ईयर्स में एक डीजल मैकेनिक है, डीएम लिख दे रहा हूँ, डीजल मैकेनिक ऐसा है जो एएलपी प्लस टेक्नीशियन दोनों के लिए एलिजिबल है। तो 1 साल वाला थोड़ा है ना। तो बहुत सारे लोगों ने अभी एलपी डीजल मैकेनिक से क्या कर रखा है, आईटीआई कर रखा है। तो ये आपको ध्यान में देखना है, तो है ना, ये चीज़ ये हो गया। अब बात करते हैं डिप्लोमा वाले, तो जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, तो डिप्लोमा में कौन सा ब्रांच, मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में भी ढेर सारा ब्रांच होता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मतलब मैकेनिकल से रिलेवेंट जितने भी ब्रांच हैं वो डिप्लोमा के एलिजिबल, मतलब डिप्लोमा में अगर मैकेनिकल के, और मैकेनिकल के बहुत सारे ब्रांच, ऐसा नहीं कि सिर्फ को मैकेनिकल से, जैसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से मैकेनिकल के अंदर ही जो आते हैं रिलेवेंट ट्रेड है, तो वो भी आपके लिए एलिजिबल है इसके लिए। फिर इलेक्ट्रिकल के कॉम्बिनेशन में जितने भी ब्रांच आते हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मेरा इलेक्ट्रिकल इससे है, मेरा इलेक्ट्रिशियन। फिर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से जिन्होंने कर रखा, वो भी डिप्लोमा में वो भी है। फिर ऑटोमोबाइल, बहुत सारे लोगों का होता है ना कि ऑटोमोबाइल, देखिए एक 3 साल का भी होता है, एक 2 ईयर वाला भी होता है। तो ऑटोमोबाइल में बहुत सारा ट्रेड है, ऑटोमोबाइल में बहुत सारा ऐसा ट्रेड है, तो उसके लिए भी आपका डिप्लोमा में, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऑटोमोबाइल, ऐसा नहीं कि एक ऑटोमोबाइल पर्टिकुलर दिया, ऑटोमोबाइल जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे फॉर्म भरते समय, तो ऑटोमोबाइल में बहुत सारे 2 साल वाला ट्रेड है, ये वो बहुत सारा आता है, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके भर सकते हो। और नहीं तो आपको एनी अदर का भी ऑप्शन आ सकता है, अगर उसका कोर्स आप करें तो वो कर सकते हो, बस ऑटोमोबाइल आपका होना चाहिए, तो एलिजिबल है, ये ध्यान रखें। तो हड़बड़ाने की आपको जरूरत नहीं कि मेरा ये ट्रेड है कि नहीं है, है ना। तो मेनली ये है कोर, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं 10+2 जिन्होंने पीसीएम से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, जिनका 10+2 में वो भी है, लेकिन सिर्फ टेक्नीशियन के लिए, डिप्लोमा वाले सिर्फ एएलपी के लिए, याद रखेंगे डिप्लोमा वाले सिर्फ एएलपी के लिए एलिजिबल है, टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल नहीं है। 10+2 पीसीएम से जिन्होंने कर रखा वो टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो 12th वाले के लिए भी रहा था कि वो फॉर्म भर सकते हैं, कम से कम इनका कटअप भले यहाँ जाता, तो सिर्फ टेक्नीशियन के लिए। और डिप्लोमा वाले जो है बीटेक वाले वो भी एलपी के लिए, तो एलपी के लिए उनको एलिजिबल है, डिप्लोमा और बीटेक वाले सिर्फ एलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए नहीं। और 10+2 वाले सिर्फ टेक्नीशियन के लिए, और आईटीआई वाले एलपी और टेक्नीशियन के लिए कुछ कुछ ट्रेड दिया हुआ। अब बात करते हैं कि क्या, तो देख लेना
बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूँ, एएलपी के लिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए A1 मेडिकल, मतलब सबसे बेस्ट जो टॉप क्लास का मेडिकल स्टैंडर्ड होता है एएलपी के। अगर असिस्टेंट लोको पायलट का आप जॉब पाना चाहते हो तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आई आपको चाहिए 6x6 विदाउट ग्लास। अगर आपके पास ग्लास लगता है ना, और बहुत ही ज़्यादा आपका आई 6x6 नहीं है, है ना, तो अगर अभी भी 6x6 के नियर है, बस डॉक्टर ने सलाह दिया कि इसको पहनो ताकि आपको दिक्कत ना, तो अगर आप बाद में फ्यूचर में अगर 6x6 सुधर जाता ठीक है। अगर आपका 6x6 पूरी तरह से नहीं है तो आपको लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि जब भी आपका मेडिकल होगा तो उस समय एट अ टाइम आपका 6x6 रहना है। अभी आपका जो भी है 6x6 से नीचे हो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी से आप सुधार हो सकता तो करो, लेकिन 6x6 एट अ टाइम तो उसमें आपको खोजेगा, तभी आप एलिजिबल। अगर इसमें आप मेडिकल स्टैंडर्ड में पास नहीं हो पाए तो आपको टेक्नीशियन के कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, अगर डिप्लोमा की कोई तैयारी करें तो डिप्लोमा वाले ऐसे बंदे कि उनको सिर्फ एएलपी में ही जाना है, उनके लिए और कोई ऑप्शन है नहीं, तो उनका 6x6 नहीं रहेगा तो उनके लिए दिक्कत है। तो बहुत मोटी मोटी जिनका ग्लास लगता है तो वो इस चीज़ को बहुत बहुत ध्यान रखें। हाँ, ऐसा होता है कि जिनका 6x9 होता है या थोड़ा सा कम होता है, तो वो होता है कि समय के साथ धीरे धीरे गाजर वगैरह खा के अपना सेहत को ठीक करके 6x6 आ जाता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे मेरे साथ के कैंडिडेट थे उस समय जब मैंने एलपी क्वालिफाई किया, तो उसमें बहुत सारे मेरे दोस्त भी कैंडिडेट थे, उन्होंने क्वालिफाई किया तो उन्होंने अपना आई विज़न को ठीक किया था। ठीक है, तो अभी से आप लोग मतलब कि आई को केयर करोगे तो आपका जो भी थोड़ा बहुत जिनका है लमसम वो आपका 6x6 आ जाएगा। बस अभी से आपको ध्यान देना है, आई केयर जरूर करना और हरे साल भी जरूर खाना है, ये रहना 6x6। अब बाकी टेक्नीशियन के लिए बहुत सारा कैटेगरी आता है, B1, B2, C1, C2 है, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड, लेकिन एएलपी के लिए ये, तो ये चीज़ में मेन इंपॉर्टेंट, अगर सपना देखते हो तो इसको भी थोड़ा सा देखना। और अगर आई में कुछ है तो अभी से आप उसके ऊपर ध्यान दो, डॉक्टर की सलाह से लेकर चश्मा भी लगता है, जैसे दिखा लो कि लगता है कि नहीं मुझे 6x6 नहीं होगा कुछ ढूंढना दे, तो अभी चश्मा लगता तो ले लो, क्योंकि बहुत सारे मेरे अभी जैसे कि चश्मा लगता है, कभी कभी मैं पहनता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा 6x6 है लेकिन थोड़ा सा कभी कभी आगे पीछे, डॉक्टर ने बोला कभी पहना तो इसलिए पहनता हूँ ना, तो फिर मैंने जब चेक कराया तो 6x6 था, है ना, तो बस ये ध्यान देना, चश्मा भी लगता है तो अभी लगा लो, ठीक हो जाएगा, तो एलपी बस 6x6 आपको पास होना है वहाँ पे। ठीक है, तो बस ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।